मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने। आज का ये ब्लॉग मेरा है मॉर्निंग वॉक से लेके, और मैं अभी निकला हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए रुद्रपुर में। देखो गर्मी, भरपूर गर्मी है। सुबह का मौसम है, पूरे शबाब में है गर्मी। हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक में, सुबह के 5:20 होने वाले हैं। और मेरे साथ मेरा दोस्त, ये देखो ये फोटो खिंचाने से बहुत डरती है, देखो पीछे पीछे आती है। अभी मैं दिखाऊंगा आगे, यहाँ से कम 3 किलोमीटर रनिंग होती है, वॉकिंग मतलब। उसके बाद मैं अपना करता हूँ योगा, जहाँ के बारे में आपको दिखाऊंगा आगे योगा कहाँ पर होता है। पीछे पीछे आ रही हमारी स्वीटी, ये हमारा साथी है योगा का भी और पीटी का भी। सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने का सुबह आ जाते हैं हम लोग, 5 बजे करीब घर से निकल जाते हैं, 6:30 बजे अपने घर पहुंचेंगे अब। और फिर इससे 1.25 घंटे में मैं पूरा यहां पर घूम के योगा वगैरह करते हैं। अभी हम चलेंगे आगे को। आजा छुट्टी हो, छुट्टी हो। ये हमारी स्वीटी है, ये देखो कितनी अच्छी है। ये सूर्योदय थोड़ी देर में होने वाला है, लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ये लोग आ गए हैं योगा व्यायाम करने। ये है वो रुद्रपुर का, जिस इलाके में अपना योगा व्यायाम वगैरह करता हूँ। दोस्तों योगा करना ज़िंदगी में ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैं, आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब हम लोग चाहे फौजी हो या ना हो वो चीज़ अलग है, लेकिन ये हमारी स्वीटी भागती है, फोटो खिंचाने से बहुत डरती है। देखो स्वीटी, देखो देखो देखो, हम भी आ रहे हैं, रुको चली चली करो, हाँ चली चली करेंगे, चो 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 चो। ये देखो शाबाज, अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। ये देखो तो देखिए, अब मैं देखो आ गया हूँ अपने उस जगह पे जहाँ पर मैं पीटी करता हूँ। अब दिखाऊंगा मैं आपको पीटी। छुट्टी जरा ये आओ, शाबाज। देखो हम बैठे और हमारा डॉगी भी बैठ गया। देखो यहाँ पर ये कितनी अच्छी जगह है ना, शांत है, कोई ना आने वाला ना जाने वाला, लोग आए हैं रोड में घूम रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी कोई दौड़ रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई ये ऐसी घूम रहा है। इधर तो इधर छुट्टी, आप चबा 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 इधर बतू। ये देखो ये जहाँ हम वहाँ तुम, ये हमारा डॉगी 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 डॉगी। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पर रहेंगे अगले 1 घंटे तक हम, 1 घंटे तक पूरे शबाब में। जैसे ये गर्मी अपने शबाब में है ना, वैसे हम भी अपने शबाब में आ जाते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये घूमने का जो है ना, मैंने पहले शुरू नहीं किया था, हालांकि कुछ ही समय हुआ है, सिर्फ 2 महीने। इसके लिए भी मैं रिटायरमेंट तक आने के बाद ना, वही मैं फौजी भाषा बोलों की लट पड़ी थी, घूमो 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 घूमो, तो मैंने घूमना शुरू किया। आज मेरे ऊपर ये घूमने का ऐसा नशा हो गया कि 4:30 बजे मैं उठ ही जाता हूँ और 4:30-4:45 बजे घर से निकल जाता हूँ, 6:15 बजे करीब मैं घर पहुँचूँगा वापस। आज का थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम शुरू करता हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों आज की ये मॉर्निंग वॉक जो थी ना वो अभी समाप्त होने वाली है, क्योंकि समय होने वाला 6:15 बजे का। अभी मुझे 6:15 बजे घर भी जाना है, तो आज का अगला प्रोग्राम क्या होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, कहाँ जाना होगा, कितने फ़ोन आएंगे, कितने अटेंड करने होंगे, कितने से ऊँच नीच होगी, कितने से गर्मा गर्मी होगी, ये अब समय बताएगा। तो आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और मैं आपसे एक बार फिर और बताऊँगा कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो मैं आपको सही फैक्ट बताऊँ, ये हंसी वाली मजाक वाली ऐसी बात नहीं है। मैंने मॉर्निंग वॉक क्यों शुरू किया, मेरे दोस्त लोग जो मुझे जानते हैं सेना से, तो उनको पता है कि मैं कितना वहाँ पर मॉर्निंग वॉक या पीटी किया करता था, नहीं के बराबर करता था। लेकिन उस समय तो शरीर पर खून था, खाना पचता था, सब कुछ भागा दौड़ी होता था, और भी अन्य किस्म के, तो मैं स्वस्थ था। लेकिन घर आके मेरी आदत ऐसी हुई, एक मेरी ही नहीं मैं कहूँगा, अमूमन अधिकतर लोगों की होती, जो 45 और 50 के आसपास जाता है तो वो फिर मकरागिरी करना शुरू करता है, आलस्यपना हो जाता है, तो वही उसके लिए नुकसानदायक होता है। अपना मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो पाचन तंत्र है ना, शरीर के जितने भी अंग शरीर के हैं ये एक्टिव रहें, तो आप निरोग रहें। सुबह घूमेंगे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, दौड़ना नहीं है, सिर्फ घूमना है। घूमेंगे तो आपका शरीर गर्म रहेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक रहेगा, तो खाना ठीक ठाक पचेगा। नहीं तो आदमी घर पे बैठ के 8 बजे उठेगा, नाश्ता करेगा, उसके बाद मेरे जैसा आदमी होगा टीवी देखेगा, लंबा हो जाएगा, उसके बाद 10 बजे अपना काम शुरू करेगा, तो उसमें क्या होता है, जो शरीर का जो भोजन है वो पचता नहीं है, और जो भी अन्य तुम्हारे तंत्र हैं ये काम नहीं करते हैं। तो इसलिए सभी लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि मॉर्निंग वॉक करना बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप समय निकालें इसके लिए आधा घंटा, तब भी किसी भी हालत में आधा घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर लॉन्ग लाइफ जीना है और निरोग रहना है। नहीं तो बीमारियां ऐसी पकड़ती हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। मैं आपको सही फैक्ट बताऊं, मैं घूमता नहीं था, मैं घर में आ गया, बहुत लंबा हो जाता था, 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे उठना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद चल पड़ना अपना झोला झंडी पकड़ के। जब रोग लगे तब मुझे डंडे पड़े, उत्तराखंड से लेके केरल से लेके उत्तराखंड, तो मुझे पता चला कि ऐसा होता है। फिर बड़ी मुश्किलों से अपने आप को मैंने इसमें ढाला, मैं सुबह उठने लगा, धीरे धीरे घूमने लगा। अब तो मुझे एक ऐसा नशा है कि मैं डेली घूमता हूँ, बिना घूमे ही मुझे चैन नहीं आता है, और मेरे साथ मेरा दोस्त रहता है, पता ही है आपको ना दोस्त भाई। तो अभी हम यहाँ पर योगा तो हमारा लगभग हो ही गया, आज का प्रोग्राम तो हमारा लगभग हो चुका है, और ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया से बढ़ा रही है। तो इसलिए मेरे आप लोगों से और कहता हूँ एक बार कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज जो है, और मॉर्निंग वॉक कम से कम 2-3 किलोमीटर तो पक्का करना ही चाहिए, ज़रूर कीजिए उसको, तो आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और ऐसे ही ब्लॉग मैं आपको बनाता रहूँगा। आपको पता है मैं पहले ब्लॉग, ये YouTube का चैनल कहाँ से शुरू किया था, अब धीरे 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 ही अपनी दिशा किधर को मोड़ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, जो हम कर्म कर रहे हैं ना उनका फल जरूर मिलेगा, उनकी भी मैं आपको वीडियो दिया करता हूँ, और इन फ्यूचर भी दिया करूँगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।